जिम जा रहे हो, ठीक है, अपने मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है, अपने बॉडी को पुश कर। मानिक ऑल्सो वेटिंग विद अस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि है स्लीप। मींस स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में? स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो डेली लाइफ है आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और प्रॉपर आपको रेस्ट भी नहीं मिलता है, ठीक है, काम ज़्यादा है, रेस्ट कम है, क्योंकि सबको पैसे कमाने की जल्दी पड़ी हुई है, ठीक है। बट मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी, और नेक्स्ट डे जो आपका होगा वो बेटर नहीं चल पाएगा। मतलब पूरे दिन आपका मूड ऑफ रहेगा और ऐसा थोड़ा मूड स्पॉइल से रहेगा। मतलब पहले मेरा भी ऐसा ही होता था, क्योंकि मैं मॉर्निंग जिम जल्दी चल जाता था, फिर पूरे दिन काम पे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो मन नहीं करता था किसी से बात करने का, प्यार से ना किसी से कुछ, ना कुछ लेना देना, मतलब मन ही नहीं करता था किसी चीज़ में। सो तभी मैंने अपनी थोड़ी रूटीन चेंज की। आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 तक सो जाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ 11:30 तक सो जाऊँ, और मॉर्निंग मैं 6:30 to 7 तक उठ जाता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरी प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की नींद कंप्लीट हो जाती है, और संडे का तो मैं पूरा सोता हूँ भाई, पूरा मज़ा लेकर सोता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ट्राई करो, अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि नींद से ही हर चीज़ होगी। और आजकल बना हुआ है कि जैसे कि हमारी 70% डाइट है, 30% जिम है, ठीक है, ये पूरी तरह से सच नहीं है, ठीक है। इसमें तीन टाइप की चीज़ें आती हैं, एक डाइट तो आती है, आपकी जिम भी आएगी, आपके मतलब जो भी एक्सरसाइज रूटीन वगैरह कम्प्लीटली आएगी, और थर्ड चीज़ आती है आपकी स्लीप, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ कि 50% आपकी डाइट आ गई, 20% आपकी स्लीप आ गई, और 30% आपकी जिम आ गई, ठीक है। ये तीन चीज़ें होंगी तभी आपकी बॉडी ग्रो होगी, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं कि दबा के डाइट खाते हैं, ठीक है, हर चीज़ खा ली, वे प्रोटीन ले लिया, ये सप्लीमेंट ले लिया, वो सप्लीमेंट ले लिया, उसके बाद जिम भी दबा के की, बट बोलते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। भाई रिज़ल्ट कैसे आएगा यार, अगर तुम अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, तुम जिम में मेहनत कर रहे हो, अपने मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है, उनको प्रॉपर रेस्ट ही नहीं मिलोगी तो कैसे होगा। अगर आप प्रोटीन अच्छा लोगे, ठीक है, वो बेटर है, प्रोटीन और रेस्ट भी तो देनी है भाई, रेस्ट होगे तभी जाके तो कुछ बनेगा। सो ये तीन चीज़ें भाई अपनी लाइफ में ले आओ अगर आपको आगे बढ़ना है, ग्रो होना है। सो डेफिनेटली तो मैं आपको तीनों का समझा देता हूँ कि डाइट, जिम और स्लीप का क्या मैटर है। समझ लो कि आप जिम जा रहे हो, ठीक है, अपने मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है, अपने बॉडी को पुश करते हो कि भाई आज मैं इतना वेट मारूंगा, ठीक है, आप लगाते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद जब आपकी बॉडी ब्रेक डाउन हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपनी बॉडी रिकवर करनी है, ठीक है। आपकी बॉडी रिकवर कैसे होगी भाई? जब तक आप स्लीप नहीं लोगे, ठीक है, आपकी जो मसल ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, वो रात के टाइम जब सोओगे, ठीक है, ये भी एक टाइप का फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब एक टाइप से आपको रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको सोना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में अपनी डाइट लेनी पड़ेगी। डाइट कैसे पूरी होगी? अगर आप प्रोटीन रखोगे अपनी डाइट में, मैक्सिमम डाइट में प्रोटीन रखनी पड़ेगी, तभी जाके होगा, ठीक है। मैं जिम का आपको समझ आ गया, तो नेक्स्ट आता है आपकी डाइट का। डाइट भी तभी आपकी चलेगी जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में, ठीक है। समझ लो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सो आपको तीनों को लेके साथ में चलना पड़ेगा। पहले जिम जाओगे, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद अपनी न्यूट्रिशन लोगे, अपनी डाइट लोगे, प्रोटीन लोगे, जो भी लोगे सप्लीमेंट, जो इतना भी लेते हो आप, ठीक है, सारा कुछ लोगे, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, एवरीथिंग, मतलब जो भी आपको लगता है, जो कि मतलब आप अपने अपना अपना कोर्स होता है सबका, कि भाई कोई लूजिंग पे है, कोई गेनिंग पे है, तो उस हिसाब से भाई स्लीपिंग का कोई कुछ नहीं है कि भाई आज मैं कम सोऊंगा, आज मैं ज़्यादा सोऊंगा, वो उनके लिए ठीक है जो कि इनहेंस है, मतलब स्टीरॉइड्स पे हैं, ठीक है, अपना कोर्स चल रहा है उनका, उनके लिए ठीक है कि मतलब वो 6 घंटे की नींद लेंगे, वो तब भी अपना रिकवर कर लेंगे। बट जो नेचुरल हैं, मतलब नेचुरल चल रहे हैं, अपने खाली वे प्रोटीन या अपनी डाइट वगैरह पे चल रहे हैं, उसके लिए मुश्किल होता है। सो मैं चाहता हूँ कि भाई अपनी स्लीप प्रॉपर लो, अपनी डाइट प्रॉपर लो, अपनी गेम प्रॉपर लो,
एक ना एक दिन आप गोल ज़रूर अचीव करोगे, जो भी आपने सोचा कि पावर लिफ्टिंग में मैंने जीतना है या मैंने जो बॉडी बिल्डिंग में आना है। सो जो भी है भाई, दिल से करो, आगे ज़रूर बढ़ोगे। मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, ठीक है, बट मेरे को इस फील्ड में कम से कम भी 6-7 साल हो चुके हैं, ठीक है। मैंने 2014 में स्टार्ट की थी, 2014 में स्टार्ट की थी जिम वगैरह, और इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं बाकियों को ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है। हर चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, खाली सर्टिफिकेट की कमी है, वो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है भी है, ठीक है। वो बाकी जिम वगैरह में वो करना तो वो अलग चीज़ रही, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं किसी की भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, और मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ तो बाकियों की भी कर सकता हूँ। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको कुछ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओ हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मीट मिस्टर कोरविन। सो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, और पीछे सेल्वी और बंटी भी आ रहा है, तो चलते हैं मानी की शॉप पे और वहाँ आज डिनर करेंगे, क्योंकि बड़े दिन हो गए कहीं बाहर का कुछ खाया ही नहीं है यार। सो मन कर रहा था रोस्ट चिकन खाने का, और साथ में अपना देखते हैं और कुछ भी मंगाएंगे। तो चलते हैं आपको मानी की शॉप पे। वो जा रहे हैं आगे सेल्वी, हमारे सेल्वी और बंटी, बस ये यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं मानी की शॉप पर, और मानिक भी बस यही होगा। बाकी आज का दिन ऐसे निकला, पूरा दिन शॉप पे ही था, और कुछ खास मज़ा नहीं आया शॉप पर, क्योंकि काम भी नहीं था इतना खास, तो बाकी पूरा दिन ऐसे ही निकला मेरा। आज आता हूँ मैं थोड़ा लेट ही हूँ, तो हम पहुँच चुके हैं मानिक की शॉप पे। Manik also eating with us. Kavin, how you like this chicken shop and chicken? Ah, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Chicken के तो खान पसंद है। So what you eat today? Tandoori chicken. Another one is tawa chicken. Yeah, ji. And naan. Naan. Butter chicken, some wipes. Yeah. He also tries some. Chicken fry like in KFC. Yeah. You also like it? Highly recommend. Yeah.